सच टीवी में हूं और इन मेरे साथ है आर्यन सनीमा और सनीमा आज हम क्या लेकर आए आज हम लोग कॉमेडी लेकर आए हैं स्टैंड अप कितने टाइम बाद हम लोग देख रहे हैं आई गेस इतना नहीं जानती थी लेकिन मैंने लॉकअप में जाना था बंदा बहुत नाइस है बट क्लेवर भी है चालाक भी है खेलना आता है उसको घुमाना आता है सब कुछ आता है और कॉमेडी भी करना आता है और खैर आज वो लाया है काला जादू वैसे लॉकअप में बहुत सारी बातें हुई थी काले जादू की अपने कॉमेडी में लेकर आया मुझे तो लग रहा है जान मुझे लेकर आया है देखने के बाद ही बता सकते हैं स्टार्ट करें Welcome to the stage, one only, Mother for Father कोई है करके एक सीरियल आता था पता है कोई है यार कर करना रुक जा हम डर जाते हैं पता है तू कुकर लेके आई है घर से रुक जा पहले मैं करता हूँ ठीक है सिंक करेंगे मस्त पहले देख लो कितना लंबा है सही फर्क नहीं पड़ता कौन सी सिटी में शो करो छोटा करो महंगी टिकट सस्ती टिकट फर्क नहीं पड़ता हर शो पे एक लंड आदमी रहेगा हर शो पे रहेगा कि जब मैं ये बोलूंगा ना कि वो कितना लंबा है लाइक नहीं कितना लंबा है ठीक है वो देख लो ताकि अपन सिंग कर सके ठीक है चलो अभी मैं कर रहा हूं सिर्फ सुनो ठीक है अब सब साथ में करेंगे ठीक है मैं 1 2 3 करूंगा उसके बाद कितना लंबा है 2.3 सेकंड क्या है भाई क्या है सॉरी मैंने बोला हर शो पे एक रहता है कभी कभी दो तीन होते हैं ठीक है ओके रेडी है सब लोग रेडी ठीक है 1 2 3 ये जूतियां पा करने का तुम लोग पैसा दिए तो ये करके सीधा आता था ना उसमें एक एपिसोड था कुएं वाली आत्मा जो भी कुएं के पास जाता था उसको ये मार डालती थी क्यों क्योंकि ये कुएं में गिर के मर गई थी भाई तो ध्यान रखना तो ध्यान रखना और मैं बोला ये गांव वालों को स्विमिंग आती है कुएं में गिर के कैसा मरी बोले कुएं में पानी नहीं था तो गई क्यों थी तुम समझ रहे हो वो कुआ है ना तेरे कोई रंगोली नहीं है तेरे घर के बाहर कोई बना के चला गया और तेरा पैर गिर गया तू गांव वाली है तेरे को पता है अगर तेरे को पानी नहीं चाहिए तो तू वहां गई क्यों कुएं में गिर के सिर्फ टिकटॉकर मर सकते संजीवा जैसे अपनी धुन में नहीं रहता में उड़ता जा रहा है कुएं में गई कुएं में गई हमें इसकी दोस्ती बनाती है टिकटॉक और इसको गुस्सा किस चीज का लोगों को मार डालती है क्या गुस्सा है कह रहे मैं छप छप करके नहीं मर पाई छप करके मरी आप लोगों ने देखा नहीं ये सीरियल वगैरह इस तरह के आते थे मूवीज वगैरह देखा वेब सीरीज देखी है राइट थिएटर्स में पिक्चर देखी है मैंने रियल में देखा है मैं छोटा था चुनार मेरे गांव में एक मौलाना रहता था मौलाना जिन निकालते थे तो एक दिन गया मैं देखने मेरे घर पे मेरा दोस्त आया था भूरा तो
रिकॉर्डिंग लीक्स क्या बात है। बुरा इसका बहुत पुराना कैरेक्टर होगा ना। बुरा बोला नहीं भाई मेरे को डर लगा। बोला डरता है मतलब चल डर मत मैं हूँ। हम लोग गए और जैसे हम लोग गए ना तो वहां पे एक लेडी बुरखे में बैठी हुई थी ऐसे। तो मुझे लगा कान में हेडफोन है। हेडफोन लेके कौन ऐसा ही नहीं सुनता है। गोस की साड़ी है नशे में। वो मौलाना लड़की की माँ को बुला बुली थोड़ा क्या हुआ इसको। लड़की की माँ बोलती है मौलाना मेरी बेटी एयर होस्टेस एक हफ्ते पहले इंग्लैंड से वापस आई है और जब से वापस आई है इसके साथ ऐसा कुछ हो रहा है। वो लड़की के अंदर था इंग्लिश जिन। इंग्लिश मौलाना को इंग्लिश नहीं आती। मौलाना बुलाए ट्रांसलेटर को। ट्रांसलेटर की गांड फट गई। बोले मौलाना ये क्या करवा रहे। अब जिन बुला लिया। जिन तो आ गया जलाल में। जिन तो लाइक मौलाना ट्रांसलेटर को पूछे बोले क्या बोला। ट्रांसलेटर को तो कुछ नहीं। मौलाना भड़क गया। मौलाना बोले नहीं बोलो जल्दी क्या बोला। मौलाना माता चोद बोला तुम्हारा। मैं और बुरा हंस रहे बोले मौलाना। मौलाना भड़क गया। मौलाना बोले हटाओ। मौलाना मोती निकाला ऐसे ड्रॉ में से। कुछ तो किया उसने। लड़की गिरी। बोला मार डाला। बुरा बोलता भाई कसौटी जिंदगी मिला रुक जा। मौलाना को जेल भेज के इसकी प्रॉपर्टी कब्जा करेंगे। इतने में लड़की खड़ी हुई। मौलाना शिट यार प्रॉपर्टी हाथ से गई। वो लड़की खड़ी हुई इस तरफ देख रही इस तरफ देख इस तरफ देख रही। बुरे को देखे बुरा डर मत इधर पागल हो गया। लड़की गई उसकी माँ के पास जाके खड़ी हुई और उसकी माँ को बोलती है अम्मी मैं कहाँ हूँ। अम्मी यहाँ पे क्या हुआ। एंड वी आर लाइक फक मौलाना डिड इट। कर दिया भाई कर दिया अपने मोहल्ले का मौलाना भाई। मैं और बुरा क्रेजी हो गए। हम लोग फुगड़ी खेल रहे। लड़की की माँ भी बहुत इमोशनल हो गई। वो भी बहुत इमोशनल हो गई रोने लगी। मौलाना के पास गई। मैं मौलाना को बोलती है मौलाना आपका बहुत बहुत शुक्रिया आपने मेरी बेटी की जान बचा ली आपने मेरी बेटी का जिन निकाल दिया। मौलाना बोलता है That's my job, baby. तब उसका बूट कर लगाएगा। ये तो मैंने जो देखा वो बता रहा हूँ। जो हुआ वो बता। 2007 की बात है। मैं 2007 में जूनागढ़ में रहता था और 2007 में ही मैं जूनागढ़ से इंडिया आया। जूनागढ़ से इंडिया। सी ये जोक भी मैं ऑडियंस का आईक्यू टेस्ट करने के लिए करता हूँ। मैम जीरो 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 मेरा तो जीरो है। मेरे साथ क्या हुआ। मैं 2007 में जब मुंबई आया मैं अपनी आंटी के साथ रहता था और मैं बहुत बीमार हुआ। जब बीमार होते
तो नॉर्मली क्या होता है हम लोग, गली में डॉक्टर रहता ना, नहीं नहीं जो नॉर्मल डॉक्टर रहता है जो दवाइयां देता है, लेकिन मतलब मैं कितनी बार डॉक्टर को ही पूछ लिया कि डॉक्टर साहब कब आएंगे, तो वो वाला डॉक्टर वो देता था 6 कलर की गोलियां, पूरी बना गया अब रिपोर्ट्स नॉर्मल आने लगी, डर गए सब लोग, रिपोर्ट नॉर्मल आ रही, डॉक्टर भी बोल रहे कि रिपोर्ट तो नॉर्मल आ रही है, और मैं कुछ भी खा रहा हूँ पी रहा हूँ पेट में कुछ नहीं जा रहा, बोले 10 दिन और ऐसा रहा तो ये मर जाएगा, क्योंकि मैं कुछ भी खाता था पीता था मेरे पेट में नहीं रहता था, दवाई भी नहीं जाती थी, मैं कुछ खाता था उल्टी हो जाती थी, मैं पानी पीता था उल्टी हो जाती थी। मेरी बिल्डिंग में एक औरत रहती है, पैसा नहीं लेते, पैसा नहीं लेता आपका एतबार बढ़ नहीं जाता, अरे पैसा नहीं लेता अच्छा ही करता होगा। मेरे को लेके गए बाबा के पास बिठाया, बाबा ने ये जो दो अंगूठे है ये मेरे आई बॉल पे रखे और उसको दबाया, घंटी को दुख रहा है, बोले बाबा पैसा नहीं लेते। अब समझ रहे हो, कोई मेहनत कर रहा है दुकान लगा के बैठा है और पैसे ही नहीं ले रहा है, तो आप तो भरोसा है भाई ये सही करता है, क्योंकि बाबा लोग की पब्लिसिटी होती है इसकी नहीं, यूजुअली क्या होता है पता है, स्टिकर लगे हुए रहते पता है ट्रेन में रिक्शा में शौचालय में लगे हुए रहते, आप ऐसे कभी शौचालय में ऐसे जाओ, मैं माफ नहीं ब्रो, कोई ऐसा मूतने खड़े रहेगा ना तो ऐसा लगता है वो स्टिकर आपसे बात कर रहा है कि ब्रो तू खुश है, तू इसके साथ खुश है। समझ लो ये पब्लिसिटी है, बट ये तो वर्ड ऑफ माउथ पब्लिसिटी, पैसा ही नहीं लेते नहीं छोड़ूंगा क्योंकि मैं पैसा नहीं लेता, बाबा को लग रहा है उसने जीन पकड़ लिया है। देखो नॉर्मली मेरे को कोई ऐसे दबाएगा तो मैं बोलूंगा ना बाबा छोड़ो है, थोड़ा जोर से दबाएगा तो मैं बोलूंगा बाबा छोड़ो। तो आंटी को पूछ रहे हैं, बोले ये आवाज मुनव्वर की है, आंटी बोले नहीं चिल्ला के बात नहीं करता मुनव्वर कभी, हाँ तो उंगली में तो नहीं घुसड़ते घर को, दबाया रहा दबाया रहा, मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। 5 मिनट के बाद मैंने किया कैरेक्टर प्ले, बाबा दबा रहा बोले चला जा इसके अंदर से, मैं बोला चला जाऊंगा, बाबा की भी फट गए बोले वो और सवाल पूछने लगा कहां से आया इसके अंदर, मैं बोले खड़े खड़े पेशाब करता है। पांच मिनट के सोल सेटिस्फेक्शन के बाद बाबा ने छोड़ दिया, मैं गिर गया, आंटी गोली मार डालो, वो बोले नहीं बेहोश हुआ है, मतलब बेहोश अपने को पता है 5 मिनट बेहोश रहने गए, 5 मिनट बेहोश के बाद मैं उठा, मैं कहां हूं आंटी क्या हुआ यहां पे, क्योंकि देखो मुझे पता है ना कि चूतिया बना रहा है, बट अब मैं भी तो नहीं बोल सकता कि चूतिया बना रहा है क्योंकि मैं भी चूतिया बना रहा हूं, आंटी तो मैं भी हूं। चलो चलो ठीक हो गया हूं मैं, हम लोग ऐसे घर पे आ गए, 2 दिन के बाद मैं ठीक हो गया, मैं नेचुरली ठीक हुआ, बट क्रेडिट मिल रहा है बाबा को, मेरी आंटी सबको बिल्डिंग में जाके बता रही है,
वो एक कैंसर पेशेंट है, उसको जाके बोली, बोले यहाँ पे एक बाबा है, यहाँ पे एक बाबा है। अब वो कैंसर पेशेंट था कि बाबा है, पैसा नहीं लेते। अच्छा ऐसे चल रहा है वर्ड ऑफ माउथ पब्लिसिटी वाला काम। और हम इंडियंस इन सब चीजों में कितना मानते हैं, ब्लैक मैजिक में, काला जादू। आई एम नॉट सेइंग है नहीं है, बट इतना नहीं है जितना हम इसके पीछे पागल हो जाते हैं और हम लोग क्या क्या कर देते हैं इसके चक्कर में। आज भी मेरी आंटी को नहीं पता ये, आज भी मैं अगर उनको बोलूंगा ना तो नहीं मान रही। वो मेरे को बोलेगी अच्छा जिन वापस आ रहा है क्योंकि हम यकीन ही ऐसा करते। उसामा बिन लादेन को पकड़ने में अमेरिका को कितने साल लगे थे? 10 years। एक टेररिस्ट को पकड़ने में, उसामा बिन लादेन पकड़ने में अमेरिका सुपर पावर को 10 साल लग गए। जस्ट इमेजिन अगर उसामा बिन लादेन हावड़ा ब्रिज गिराता तो बंगाली लोग गुड़िया बनाते मारते पिन वहां पे ओसामा टीले पे से बयान कर रहा होगा सुहेल यहाँ सुब्रो तो मार रहा है घट घट कर। ऐसा काला जादू करते ना, ओसामा खुद फ्लाइट पकड़ के कलकत्ता आता, आके बोलता हम ही मंजूरी का बकरों को रोक दो दान कर दो। ये मैं ऐसे ही बोल दिया। खाली से बन जाता जब भी लौटे सब काबू, साथी का काबू मैं निशाना होगा। हमारे साथ थे आज मुनव्वर फारूकी। इतने टाइम के बाद वो भी लाइक मैंने उनकी कॉमेडी ये नहीं सुनी है, मुझे लाइक ओके लगी। ज्यादा हंसी नहीं आई बट वो बॉल लाइक टाइम ही दे रहा था बीच बीच में। पुरानी स्टोरी से लिंक हुआ होगा लेकिन हमको ये बोरा हमें नहीं समझ आया, बाकी सब समझ आया, चाहे आप लेडीज हो या जेंट्स हो या बच्चे हो। बच्चे बट वो अपनी रियल स्टोरी बता रहा था जो उसके साथ इंसिडेंट हुआ स्टार्टिंग बहुत अच्छा से लिया था कि कैजुअली उसने बात एंड में बहुत ज्यादा खींच रहा था, खींच लंबा करने की कोशिश कर रहा था अपनी। लेकिन उसने एंड में एक बार अच्छी बोली थी कि काला जादू होता है, एग्जिस्ट होता है, नजर भी होती है, एग्जिस्टेंस है, लेकिन ना बहुत ज्यादा ना लोगों ने बना दिए। और ये लोग भी सब जाना चाहे वो बाबा जी हो इंडिया के या मुसलमानों के मौलाना साहब जो भी है, बट वी शुड नॉट से दैट, बट है फेक लोग होते हैं, नो डाउट फेक लोग होते हैं, कुछ रियल भी होते हैं और कुछ लोगों ने ना पैसा बनाने के लिए जो ना फेक लोग ही होते हैं। आज ये भी तांत्रिक बन के आए हैं, ट्रस्ट कर लेते हैं, बिलीव कर लेते हैं कि लाइक उस चीज से बाहर नहीं आ पाते, रियलिटी को एक्सेप्ट नहीं कर पाते, बस वो बाबा बाबा बाबा। यार ऐसा भी नहीं होता, बट उस पर्सन के लिए ना बहुत डिफिकल्ट होता है फिर वो सर्वाइव करना एंड इस चीजों को लेके आगे साथ चलना। वी शुड बी केयरफुल इन ट्रस्टिंग अदर्स। शी इज मंजुली काला जी। ये दोनों की पिटाई होने वाली है, हम दोनों की तो हमारे दुआ में ख्याल रखना, हमें अपनी दुआ में याद रखना। सो जाते जाते आप लोग हमारे रिएक्शन अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर प्रेस करना और दुआ में याद रखना।